गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन जब तक ये वीडियो पोस्ट हो रहा होगा तब तक आई थिंक गुड आफ्टरनून ऑलरेडी हो चुका होगा। नाउ कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक डिफरेंशिएशन, जहां पे कल मैंने आपको कल कुछ फॉर्मुलेज लिखवाए थे। दोज फॉर्मुलेज आई अगेन एंड अगेन टोल्ड यू कि वो फॉर्मुलेज बहुत जरूरी हैं, बिकॉज वो फॉर्मुलेज एक फर्म बेस बना देते हैं जिस बेस के वजह से आप जंप कर पाओगे आगे वाले क्वेश्चंस पे। यदि कल वाला लेक्चर और जो मैंने कल शीट पोस्ट करी है, यदि वो शीट आपके पास में ऑलरेडी यदि आपने ढंग से सॉल्व कर दिया तो ट्रस्ट में आपने ऑलमोस्ट 70% बैटल जीत चुके हो। अब बची है 30% बैटल विच इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे मैंने कल आपको बताया था, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये आगे के सारे टॉपिक्स के लिए एक फंडामेंटल बेस है, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बाय द वे अज्यूम कि आपने वो फॉर्मुलेज लर्न कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो जब तक ये वीडियो पोस्ट ऑलरेडी हो रहा है आप तब तक कर लेना, नहीं तो उसके बाद में भी कर लेना, बट मेरे हिसाब से अभी तक आपको कर लेना चाहिए था। ओके, आज हम जो रूल्स पढ़ेंगे वो तीन तरह के रूल्स होंगे। द रूल नंबर वन जो डिफ्रेंसिएशन के रूल हैं, रूल नंबर वन। जो लोग सोच रहे हैं कि कल का वीडियो कहाँ मिलेगा, सो यू नीड टू एक्चुअली सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड गाइज बिलीव मी, मैं सब्सक्राइब करने के लिए और किसी रीजन से नहीं बोल रहा हूँ, बट देन वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर लाइन से वीडियोज हैं क्लास 12 के, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर में क्लास 10th के भी वीडियो होते हैं। सो आप जंबल अप ना कर जाओ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ओके नाउ रूल नंबर वन विच इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। Now, what do you mean by product rule? कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कुछ सिंपल errors जो नॉर्मली इवन द टॉपर्स कर देते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट रूल का मतलब ही होता है प्रोडक्ट, मतलब जब भी कभी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन का या डॉट का साइन होगा तो आपको ये रूल लगाना पड़ेगा। अब दो फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, पहले तो मैं आपको रूल बता देता हूँ द फॉर्मूला। Suppose there is a function which is known as fx dot एक और कोई function है which is known as gx। सर अब ये क्या है, अभी बस केवल आपको देखना है, within 2 minutes और 3 minutes max आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कोई दो functions हैं, दोनों के बीच में multiply का sign है और किसी ने आपको बोला है d by dx करने के लिए, what was dx? The operator जो अपने मालिक x को पहचानता है। जब भी कभी दो फंक्शंस हैं और इसका यदि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, देन द रूल विल बी फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इफ यू वुड बी एबल टू सी दिस, देन पहला फंक्शन ऐसे ही छोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर देन अगेन क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज करेंगे एंड देन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सर तो ये कुछ समझ में नहीं आया, लेट्स ट्राई एंड यू नो सी एन एग्जांपल एंड आई एम श्योर उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स टेक द एग्जांपल नंबर वन। सपोज कर लो मेरे पास में एक फंक्शन है विच इज ई टू द पावर एक्स और मेरे पास में एक और फंक्शन है डॉट लॉग एक्स एंड समबडी हैज आस्क्ड मी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी ने मुझे बोला इस फंक्शन को डी बाय डी एक्स करो, डिफरेंशिएट करो, तो पहला काम मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरे पास में दो अलग अलग एक्स की टर्म्स हैं या नहीं है। ई टू द पावर एक्स ये एक फंक्शन है, log x ये एक और फंक्शन है, सो ये रहा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा मेरा सेकेंड फंक्शन। अब क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सर क्या ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको यदि 2+3 करना हो या 3+2 करना हो, बात एक ही होती है। आपने यदि इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखना मैथ्स रिजिड नहीं होता है, मैथ्स फ्लेक्सिबल होता है, सो इट इज नॉट कंपल्सरी वेदर यू राइट दिस एज फर्स्ट और दिस एज फर्स्ट। नाउ लेट्स गो अहेड, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट शुड बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नो चेंज,
into d by dx of second function, second function. अभी कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही लिख देना है, plus second function into d by dx of the first function. What was the first function? E to the power x. Now my humble request would be, I'm not saying कि आप मेरा ही तरीका follow करो, but आप जितने easily या जितने comfortably या जितने often आप brackets लगाते हो, जिसको हम लोग parentheses भी बोलते हैं, अब जितने ज़्यादा brackets लगाओगे, आप ही को उतनी आसानी पड़ेगी, because वो function अलग से दिख जाता है कि इसका differentiation करना है. अब क्या करेंगे, जो कल मैंने आपको जो फॉर्मूलेज लिखवाए थे, यदि वो नहीं है तो आप उसका एक स्नैपशॉट ले लो, उसका स्नैपशॉट लिख करके आप साइड में देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा. e to the power x will become e to the power x as it is, no change. d by dx of log x, log x कितना होता है, 1 upon x. So ये आ जाएगा 1 upon x, जो कल मैंने फॉर्मूले दिए थे आपको, ओके, इन लेक्चर नंबर 1. e to the power x, d by dx of log x का फॉर्मूला होता है 1 upon x. So जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Just watch the first video of class 12th differentiation and I'm sure आपको समझ में आ जाएगा, ओके? e to the power x dot 1 by x, plus की जगह plus का साइन, log x as it is, dot e to the power x. अब गाइस, d by dx of e to the power x क्या होता है, यदि आप फॉर्मूला देखोगे, सेम फॉर्मूला, नो चेंज, तो जो लिखा है वही इसका आंसर है. सो आंसर इज दिस. सर क्या हम यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, कंसीडरिंग कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, इट वुड बी प्रिस्क्राइब्ड कि आप आंसर यहां पर ना छोड़ो. ट्राई टू सिंपलीफाई द आंसर, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स सिंपल, एंड टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट. Can I take out something common outside? Of course, yes, I can take out common e to the power x outside. So, yahan par aa jayega 1 upon x plus log x. If you want to further simplify, you can. But I think yahan par bhi aapne choda, teacher will give you full marks for that. So, what is product rule? Jab bhi do functions multiply mein honge, aap karoge first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first, and that's all, that's so simple. Let's take now furthermore 4-5 questions, because aaj usi ki sheet aane wali hai dobara. So let's do it. Okay, so I am just keeping this particular formula as it is on the board and I'll be rubbing this question down. Okay, now jab bhi kabhi aapko lage ki ye question thoda aur dekhna hai, samajhna hai, very simple, pause the video on YouTube, scroll it down, take a snapshot या screenshot जिसको आप बोलते हो, and keep it by the way in your same folder. So जब भी कभी आपको लगे कि कुछ problem आ रही थी, क्या किया, अब समझ में आ जाएगा. Without wasting time, let's do the second question now. So मैं इसको rub कर रहा हूँ. Okay. Now the second question. Let's take a trigonometric function. So मेरे पास में एक function है sin x dot अकड़ बकड़ खेलते हैं. Let's do tan x. tan x, okay? सबसे पहले आपको ये चेक करना है, is this function eligible? So that क्या मैं इसमें product rule लगा सकता हूँ? पहले चेक करो, क्या यहाँ पर दो functions हैं? ये अलग sin x है, ये अलग x है, तो of course there are two functions. So first function, second function. Sir, नहीं नहीं, मुझे इसको first मानना है और इसको second मानना है. आप किसी को भी मानो, answer same ही आएगा. यहाँ पर मुझे करना है d by dx. d by dx को ही हम लोग बोलते हैं differentiation, इसी को हम लोग बोलते हैं derivative. Okay? So derivative of sin x dot tan x. तो यहाँ पर मैंने एक bracket लगा दिया. अब rule क्या बोलता है? Rule बोलता है पहले वाले को as it is रखो, second वाले को differentiate करो. Plus second वाले को as it is रखो, first वाले को differentiate करो. तो वैसे ही करते हैं. Sin x as it is dot d by dx of tan x, right, plus tan x second function ko as it is dot d by dx of which one, that is sin x, right. Ab kya karna hai, very simple, again go back to the first lecture. Yadi aapko formulas learn hai to you already know this now. Sin x dot d by dx of tan x का फॉर्मूला होता है जो कल करवाया था,
that was sec square x plus tan x ki jagah par tan x dot d by dx of sin x will be cos x. And that's all is the answer. Sir, kya isme se kuch common nikal sakte hain? Technically you can't, but even if you feel like taking something common outside, you can find aap tan x ko sin x upon cos x likh do, ya aap sin x ko bahar common nikal do, yahan par sec square x aa jayega, and so on and so forth. Iske aage bhi simplify aap karna chaho to kar sakte ho, but as of now ke liye yahin par hi chhod dete hain. Okay, now aage badhte hain. Let's do another question, that is question number 3. Now let's take something like this: root x dot a to the power x. So मैं सारे टाइप के रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, फिर मैं तीन फंक्शन के लूंगा, फिर आपको एक चार फंक्शन का भी करके दिखा दूंगा, सो दैट कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा प्रोडक्ट रूल में. दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोस्ट जो कि क्लास 11th में पहली बार डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, और जो लोग क्लास 12th के अंदर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आई थिंक दिस लेक्चर वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल लेक्चर एवर. ओके, नाउ root x dot a to the power x will be d by dx. Now, as usual, again a bracket. अब क्या करूंगा? First function, as it is, हाथ नहीं लगाऊंगा. Dot d by dx of a to the power x. हमेशा bracket लगाओ, always. Plus a to the power x, as it is, dot d by dx of root x. सर अब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, रूट एक्स की जगह पर रूट एक्स ही आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला ढूंढो. फॉर्मूला क्या होता है? ए टू द पावर एक्स लॉग ए, कल जो फॉर्मूला लिखवाया था, प्लस ए टू द पावर एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. यदि कल आपको याद होगा, कल हम लोगों ने फॉर्मूला में लिखा था डॉट वन बाय टू रूट एक्स. सर इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? आप खुद चेक करो, कुछ कॉमन निकाल सकते हो? यस, यू कैन टेक आउट समथिंग कॉमन. सो टेक आउट ए टू द पावर एक्स कॉमन आउटसाइड, यहां पर आ जाएगा रूट एक्स डॉट लॉग ए, क्योंकि ए टू द पावर एक्स को बाहर निकाल दिया, प्लस ए टू द पावर एक्स बाहर गया, तो यहां पर बचेगा वन बाय टू रूट एक्स. सर क्या और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो, यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप एलसीएम कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ वी लीव द आंसर ओवर हियर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? होपफुली यू शुड. लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, जिसको मैं टू से ही कर रहा हूं, फिर उसके बाद में एक तीन वाला करते हैं. ओके, कैन आई रब दिस? फाइन, सो रबिंग दिस ऑफ. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. लेट्स ट्राई d by dx of, let's take random functions. मैंने ले लिया sin x into 1 upon x. sin x into 1 upon x. Okay, so ये रहा मेरे पास में एक और function, sin x into 1 upon x. अब क्या करूंगा? वापस से वही रूल. फर्स्ट फंक्शन, ये रहा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा मेरा सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, एंड द फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स. वंस अगेन, साइन एक्स की जगह पर आप एज इट इज ही रखोगे. d by dx of 1 upon x, 1 upon x का फिर से आप कल वाले शीट में फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट? प्लस की जगह प्लस, 1 अपॉन x d by dx of sin x, अगेन कल का फॉर्मूला cos x. सो व्हाट इज द आंसर? माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग sin x इनटू माइनस 1 इज माइनस sin x. माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाय एक्स, एंड दैट्स ऑल गाइस, इट इज डन एंड सेट. सो आर यू श्योर यू अंडरस्टूड दिस? बिकॉज ये तीन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 5. मैं जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से डिफिकल्ट दूंगा, एंड प्लस वो थोड़े से लंबे भी होंगे. सो लेट्स ट्राई एंड सी दिस. सो आई एम रबिंग दिस ऑफ वंस अगेन.
क्वेश्चन नंबर जो 4 है दैट इज, इसको जानबूझ के तीन फंक्शन का ले लेते हैं. नाउ तीन फंक्शंस का मतलब हो गया, यहां पर लिख लेते हैं कुछ e टू द पावर x डॉट cos x डॉट log x, ये रहे वो तीन फंक्शंस. सर अब सर ये प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा इसमें, आपने तो केवल दो फंक्शन का ही बताया था, आप दो को ही तीन की तरह कर दो. वेरी सिंपल, एक बार में एक फंक्शन लोगे जिसका डिफरेंशिएशन करना है, बाकी दोनों को ऐसे ही छोड़ दोगे. पहले तो ये देखते हैं क्या ये एलिजिबल है. e टू द पावर x इसमें अलग से x है, cos x इसमें अलग से x है, log x इसमें अलग से x है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर थ्री सेपरेट फंक्शंस. सो लेट अस राइट फर्स्ट फंक्शन, देन राइट सेकेंड फंक्शन, एंड देन राइट द थर्ड फंक्शन. Got it? As usual, d by dx. But sir, तीन का तो formula भी नहीं लिखवाया आपने. Tension नहीं. Okay, it should be equals to. अब पहले क्या करूँगा? पहले मैं जानबूझ करके इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दूँगा. First function that is e to the power x dot cos x dot d by dx of third वाले को ले लेता हूँ, log x. ओके फिर प्लस का साइन. अब की बार मैं इसको ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं, फर्स्ट को एंड थर्ड को, और डी बाई डी किसका करूंगा, सेकेंड वाले का. प्लस फर्स्ट फंक्शन वॉज e टू द पावर x डॉट log x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ब्रैकेट्स. अब आपके हिसाब से कॉमन सेंस सोचो, आपके हिसाब से क्या लगता है क्या होगा. मैंने पहले इन दोनों को लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, एक बार में एक को ही लेना है. फिर मैंने इसको और इसको लिया और इसका डिफरेंशिएशन किया. अब क्या करूंगा, इसको और इसको लूंगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा. सो ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स. सॉरी ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, यदि आप ढंग से देखोगे तो क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल टफ, इट इज जस्ट सो सिंपल. सो नाउ लेट्स राइट e टू द पावर x डॉट cos x एज इट इज, क्योंकि इसका तो हमें d by dx करना ही नहीं है. d by dx ऑफ log x, वंस अगेन यू विल सी द प्रीवियस शीट, d by dx ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर x log x, इसका तो हमें करना ही नहीं है. d by dx of cos x is minus sin x. हमेशा ब्रैकेट्स लगाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्लस देन कम्स cos x एंड log x, cos x एंड log x डॉट d by dx of e to the power x, फिर से कल वाली शीट. सर अब क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहां पे e टू द पावर x है, वी कैन टेक e टू द पावर x, यहां पर भी है यहां पर भी है. सो लेट्स टेक e टू द पावर x कॉमन आउटसाइड. सो अंदर आएगा cos x अपॉन x प्लस सॉरी माइनस, बिकॉज माइनस साइन x log x बचा था, माइनस साइन x डॉट log x प्लस cos x डॉट log x. And that's all the answer is done. So function 3 ka aaye ya 30 ka aaye, koi farak nahi padta, keval question dekhne wale ko lagega oho bahut bada question hai, but do you really think that question is tough? Nahi. So this is known as product rule. Very simple, ek bar mein ek ko hi differentiate karna, dusre ko haath bhi mat lagana. अब आते हैं कुछ बहुत ही silly type के you know mistakes पे, जो आम तौर पे बच्चा पूरा सीखने के बाद में भी गलती कर देता है. नाउ लेट्स सी कहां पर. फर्स्ट सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, एंड नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए टू द पावर लॉग एम डॉट ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर लॉग एम डॉट ई टू द पावर एक्स, और क्या करना है, डी बाय डी एक्स करना है. यदि आपने कल वाला लेक्चर सुना होगा तो आपको शायद थोड़ा बहुत मेरा समझ में आ रहा होगा ये ट्रैप जिसमें मैं अभी आपको फंसाने वाला हूं. क्या
ऑपरेटर कौन है? एक्स, और ये मालिक किसको मानता है? एक्स को। तो ये इसको क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। तो क्या आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे? नहीं। क्यों? बिकॉज ये प्रोडक्ट रूल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। वाई? बिकॉज एक्स तो केवल एक ही है। ये क्या है पूरा का पूरा? सर लेकिन ये इतनी बड़ी टर्म कॉन्स्टेंट है, क्या फर्क पड़ना है? डी बाई डी एक्स, यहां पर ए टू द पावर लॉग एम को मैंने बाहर रख दिया, बाहर फेंक दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। वाई? बिकॉज ऑपरेटर इसको पहचानता ही नहीं है, बोलता है बाहर जाओ बाहर जाओ पहले ही। अब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए टू द पावर लॉग एम डॉट e to the power x का differentiation e to the power x. So ये होती है कुछ most common गलतियाँ. Now let's try and see another example. Suppose कर लो मेरे पास में एक और question आया, something like this: e to the power x minus 2x square plus 4 log x minus 3 upon x plus 2 dot e to the power m dot a to the power n dot log c. Sir, और tough नहीं मिला question? I am just trying to make sure that after watching this video, even बाहर से आपका colleague, आपके respective teachers, आपके coaching center वाले teachers, जिसने भी किसी ने भी आपको कोई भी एक question दिया, and you will be oh. ये तो मुझे आता है, दिस इज अ पीस ऑफ केक, कॉल इट। सो नाउ सी, अब आपको d बाई डी एक्स करना है, तो सबसे पहला काम अप्लाई अ ब्रैकेट टू शो कि d बाई डी एक्स हमें सबका करना है। ओके, नाउ अब क्या करोगे? एक एक करके इंडिविजुअली सबसे पहले चेक करो कि प्रोडक्ट रूल लगेगा या और कोई रूल लगेगा क्या। ये सिंगल टर्म है, तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे लिख दोगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस साइन 2 भी बाहर, याद है क्यों? बिकॉज ऑपरेटर कौन है? x, और मालिक कौन है? x, राइट? सो दिस d by dx इज ओनली गोइंग टू आइडेंटिफाई एज ओनर विच इज द x, राइट? तो ये माइनस 2 को बाहर फेंक देगा और यहां पर लिखेगा d by dx ऑफ x स्क्वायर, अप्लाई द ब्रैकेट, देन कम्स प्लस अगेन 4 बाहर d by dx ऑफ log x माइनस 3 आउटसाइड, देन कम्स d by dx ऑफ 1 अपॉन x, देन प्लस d by dx ऑफ 2 डॉट e टू द पावर m डॉट a टू द पावर n डॉट log c. Pardon me for the space constraint. Now, अब क्या करूंगा? Simple, कुछ नहीं करना, sheet में से formulas देखो and लगाना चालू कर दो. So, d by dx of e to the power x will become e to the power x minus 2 d by dx of x square. याद है कल x square को solve कैसे किया था? जो भी power ऊपर होती है वो आगे आ जाती है. Bracket, power आगे आ गई और एक पावर कम हो जाती है, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1. 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, सो लेट्स राइट 2x प्लस 4 d by dx ऑफ log x इज 1 अपॉन x, 1 अपॉन x माइनस 3 d by dx ऑफ 1 by x इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 by x? इट इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. Now comes the most important part. Sir, यहां पर तो product rule लगेगा ही लगेगा. Sir, देखो यहां पर तीन चीजें हैं. Important thing. आपको क्या करना था? D by dx. क्या यहां पे उसका मालिक है? नहीं है. यदि मालिक नहीं होगा तो ये उसको क्या treat करेगा? Simple, constant. और constant का differentiation कितना होता है? शून्य. Answer is plus zero. Do we need to write zero? No. So what is the final answer? It is e to the power x minus 4x plus 4 by x, minus into minus will become plus 3 by x square. And that's all. It is that simple.
सो आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, द मोमेंट दे स्टार्ट डूइंग ऑल दिस उनको इमीडिएटली लगता है अब तो हम कर लेंगे, बस प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। हर एक क्वेश्चन को पहले आप चेक करो क्या वहाँ पर एक फंक्शन है या दो। यहाँ पर e टू द पावर m जो फंक्शन ही नहीं है x का, a टू द पावर n जो कि फंक्शन ही नहीं है x का, log c जो कि फंक्शन ही नहीं है x का, and that is the reason. Got it? Now, let's move on to product rule के बाद में अब अपन आगे बढ़ते हैं and last rule की तरफ में जाते हैं, which is known as quotient rule. Now let's see. Now that does not mean कि quotient rule क्वेश्चन रूल के आगे कोई रूल नहीं है, क्वेश्चन रूल के आगे भी रूल है, बट एज ऑफ टुडे बिकॉज वी नीड टू कीप द लेक्चर की लिमिट एज 30 मिनट्स एंड दैट इज द रीजन वाई आज जितना टॉपिक कवर हो पाएगा मैं उतना टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। सो नाउ लेट्स सी दिस, द नेक्स्ट रूल इज क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल, now what actually do you mean by the word quotient rule? Quotient rule का मतलब होता है functions multiply में होंगे, सर आपने वो तो सिखा दिया करना, वो तो आ जाएगा, but function divide में होंगे फिर कैसे करोगे? Very simple, so let's see this. सबसे पहले quotient rule का rule होता क्या है, that is यदि कोई भी function ऐसे वाले form में होगा fx upon gx, d by dx of fx upon gx, तो आप पहले क्या करोगे? वेरी सिंपल, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर करके लिख दो, gx होल स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है। सर समझ में नहीं आया, जस्ट वेट फॉर द एग्जाम्पल एंड आई एम श्योर आपको आ जाएगा। डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, देन न्यूमरेटर में क्या आएगा? वंस अगेन डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर नॉट दिस, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ओके, एंड डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर नहीं, क्वेश्चन वाला डिनोमिनेटर, सो दैट इज जी एक्स। Got this? So what is the rule? It's very simple. जब भी कभी आप किसी चीज के अपॉन में किसी चीज को देखो और दोनों में x हो, denominator whole square, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator, and that is so simple. Now let's try and understand that how will you be able to solve these questions. First question, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया sin x अपॉन कॉस एक्स। आप बोलोगे सर आप चाहो तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स भी तो लिख सकते हो। आपको यदि याद होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था टेन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स। आया कैसे? लेट्स ट्राई एंड प्रूव दिस। यदि हम सही होंगे तो इसका आंसर sec स्क्वायर एक्स आना चाहिए। नाउ लेट्स सी, यहां पर लिख देता हूं डी बाई डी एक्स, ओके। नाउ सबसे पहला इट शुड बी इक्वल्स टू जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। नाउ ये आमतौर पे गलती मोस्ट कॉमन है जो इनफैक्ट मैं क्लास 12th के भी स्टूडेंट्स में करते हुए देखता हूं। कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो वो बन जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, कॉस एक्स स्क्वायर नहीं। रिमेंबर कॉस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। सो प्लीज रिमेंबर दैट जब भी कभी आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी डिग्री चेंज मत करना, आप कॉस के बीच में सिंबल लगाओगे, ओके, फाइन। सो नाउ डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, देन कम्स डिनोमिनेटर, वंस अगेन व्हाट वाज द डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू द रूल? कॉस एक्स, कॉस एक्स, डिनोमिनेटर डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, what is numerator? साइन x minus minus, काफी बड़ा माइनस बनाया मैंने, minus numerator into
d by dx of denominator. What is the denominator? भूल से भी इसको मत ले लेना, इस denominator को लेना है, question के denominator को. So that is going to be cos x. Now it should be equals to cos x dot sin x. माइनस साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ बाय द वे कुछ गड़बड़ी करी क्यों नॉट बैड यदि किसी ने बोला कि सर आपने साइन एक्स को साइन एक्स क्यों लिख दिया दैट मीन्स कि आपका ध्यान है गाइस प्लीज अंडरस्टैंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स नहीं होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स तो आप क्या लिखोगे यहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स सो ये आएगा माइनस साइन एक्स यहां पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं होल अपॉन और ये तो पहले से ही था नीचे कॉस स्क्वायर एक्स सर अब क्या करेंगे वेरी सिंपल कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सर अब क्या करेंगे डू यू नो क्लास टेंथ के अंदर वन ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी होती है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन तो ये आ जाएगा यहां पर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स What do you think cos का reciprocal क्या होता है? That is sec. तो 1 upon cos square x can be written as sec square x. And this is the formula of here this part. यदि आप ढंग से देखो तो sin x upon cos x को ही अपन tan x बोलते हैं और tan x का differentiation formula की sheet में से देखोगे तो it is going to be sec square x. Let's try another question. Let's see. So I'm rubbing this off. मैंने ऊपर का फॉर्मूला भी लग कर दिया सो लेट्स राइट इट वंस अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स ब्रैकेट क्लोज शुड बी इक्वल्स टू यहां पर था जी एक्स देन डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स ओके नाउ लेट्स रन दिस गाइस यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी लग रही हो आइदर इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन और इफ यू हैव गॉट एनी डाउट आइदर यू नो डू द व्हाट्सएप ऑन द नंबर प्रोवाइडेड और एल्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाकर के आप कमेंट में भी लिख सकते हो सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन पुट दैट पर्टिकुलर पार्ट अप ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन रूल एंड दैट इज सपोज कर लो मैंने ले लिया ई टू द पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स या और कुछ ले लेते हैं से एक्स स्क्वायर राइट अब क्या करूंगा पहले तो आप चेक करो इसमें कौन सा रूल लगेगा सिंस ये चीजें अपॉन के अंदर हैं तो आप क्या करोगे क्वोशेंट रूल लगा दोगे सर क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लग सकता है हाँ बट नॉट इन टुडेज लेक्चर हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे इन सम अदर लेक्चर क्यों बिकॉज ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर करके भी आप इसको लिख सकते हो बट एज ऑफ नाउ हम चीजों को सिंपल बना रहे हैं टफ नहीं सो ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में जब भी होता है मतलब क्वोशेंट रूल क्या करोगे जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर केवल क्वोशेंट का जो डिनोमिनेटर है उसको लिख दोगे डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर नाउ आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्रीवियस शीट डॉट ई टू द पावर एक्स अच्छा एक बात बताओ फॉर अ चेंज यदि यहां पर मुझे यदि कभी कोई डी बाई डी एक्स लगाना होता तो मैं कौन सा रूल लगाता प्रोडक्ट रूल और क्वेशेंट रूल आई डोंट नो व्हिच वन सो इट विल बी प्रोडक्ट रूल व्हाई बिकॉज बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है
बट अभी के लिए नहीं, अभी तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है, माइनस e टू द पावर x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x. सर अब ये एक्स स्क्वायर का 2x ऐसे आया, वेरी सिंपल ट्रिक, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम, सिंपल. ओके, होल अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x टू द पावर 4. सर कैन वी टेक आउट समथिंग कॉमन? ऑफ कोर्स यस, यू हैव टू टेक आउट समथिंग कॉमन. Why? जितने भी e to the power x के questions होंगे उनमें normally आपको कुछ ना कुछ common तो निकालना ही पड़ेगा. So it will be e to the power x, अंदर क्या बचेगा, x square minus 2x whole upon x to the power 4, and that's all is the answer. So did you understand? Now let's try to move on to level 3 question, which is the highest level question. इस question में थोड़ी खिचड़ी है, इसमें प्रोडक्ट रूल भी है और क्वेश्चन रूल भी है, देखते हैं कैसे करेंगे. सो लेट्स कैन आई रब दिस. आपको जहां पर भी लगे कि सर ये टॉपिक बहुत जल्दी चल रहे, यू कैन पॉज द वीडियो, टेक अस यू नो स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट एंड देन यू कैन रीड इट अगेन. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को काफी टफ बना रहा हूं. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. इट इज साइन एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स होल अपॉन लेट्स टेक एक्स टू द पावर माइनस 7. चलेगा, क्योंकि इससे गंदा क्वेश्चन आई डोंट थिंक नॉर्मली आना चाहिए, अनलेस कि वो चेन रूल का क्वेश्चन है, बट चेन रूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये यहां पर मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स और यहां पर मैंने लगा दिया एक ब्रैकेट. अब आती है बात, सर इस क्या इसमें कौन सा रूल लगेगा? पहले फंक्शन चेक करो. ये रहा एक फंक्शन क्योंकि इसमें x है, और ये रहा एक और फंक्शन, इसमें भी x है. सर तो यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाद में देखते हैं. बट लेकिन यहां पर सर अपॉन है, अपॉन के बाद में नीचे भी x है, तो सर यहाँ प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा, यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगेगा. तो आखिर चल क्या रहा है, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और क्वेश्चन रूल भी लगेगा? इन अ वे हाँ. नाउ लेट्स सी कैसे. सबसे पहले तो क्योंकि अपॉन है इसलिए मैं क्वोशेंट रूल लगाऊंगा. तो क्वोशेंट रूल का तरीका क्या होता है, जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया होगा यू आर गोइंग टू सिंपली स्क्वायर दिस. सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, आई मीन जो भी था वो लिख दिया मैंने, देन डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटायर पार्ट. अभी कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है. माइनस न्यूमरेटर द इंटायर पार्ट माइनस साइन एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. Now, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन सर बहुत बेसिक है सर, ये तो क्लास 11th में ऑलरेडी सिखाए थे. ट्रस्ट मी, आज जब मैं जो शाम को आपको शीट देने वाला हूँ फॉर द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ट्राई एंड सॉल्व दैट शीट एंड बिलीव मी एटलीस्ट 20-30% आंसर्स गलत आएंगे. दैट डज नॉट मीन्स कि आपको समझ में नहीं आए हैं, दैट सिंपली मीन्स कि ये क्वेश्चन है ही ऐसे कि आमतौर पर नॉर्मली स्टूडेंट्स की जरा सी भी बस गड़बड़ी हुई एंड वहीं पर ही बस क्वेश्चन तो खत्म, काम खत्म. Now let's see. So x to the power minus 7, then d by dx of this. अब आता है सर d by dx इसका कैसे करूं? सबसे पहले चेक करो क्या यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा या नहीं लगेगा. ऑफ कोर्स सर लगेगा क्योंकि यहां पर दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है. सो लेट्स अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. बट सर हम तो क्वेश्चन रूल कर रहे थे ना, यहां पर एक लगा दोगे ब्रैकेट एंड लेट्स अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन into d by dx of second function plus that is कौन सा वाला plus second function into d by dx of the first function bracket close. सर ये आपने क्या किया, मैंने क्वेश्चन रूल के अंदर क्योंकि यहां पर मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है और यहां पर दो फंक्शंस है तो मैंने यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया.
सर फिर आगे वाले का क्या होगा, आगे वाला एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह माइनस। तो पहले तो आपने, अरे आई एम सॉरी, सबसे पहले आपने तो ये किया था फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आपने ये वाला पार्ट भी कर दिया, दैट इज एक्स टू द पावर माइनस सेवन इनटू ये पार्ट। अब क्या करोगे, ये वाला पार्ट, सो माइनस की जगह पर माइनस का साइन, देन कम्स साइन एक्स, देन कम्स डॉट ई टू द पावर एक्स एज इट इज आएगा। And what do you think about this x to the power minus 7? जो भी नंबर होता है वो आगे आ जाता है, so minus 7 x और एक पावर कम, पहले से ही minus 7 है, एक पावर और कम करूंगा तो ये बन जाएगा minus 8। Got it? Sir, what about the denominator? उसको ऐसे ही रहने दो, so let it see x minus 7 into 2, minus 7 का square 49 मत कर देना, minus 7 into 2 will become minus 14. Sir, ये कहाँ से आया? Class 8 exponent and radicals. जब भी कभी power के ऊपर power होती है, you always need to multiply that power. Okay? Now, अब आते हैं last step पे and the answer आ चुका है आपका. X to the power minus 7 bracket sin x d by dx of e to the power x same रहेगा, e to the power x plus e to the power x like this, d by dx of sin x is cos x, let's close the bracket. सर आप बार बार इतने सारे ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? बिकॉज ये टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, माइनस यहां पर आ चुका है माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो ये आ चुका है sin x डॉट e टू द पावर x, 7 जो कॉन्स्टेंट है उसको आगे लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं x टू द पावर माइनस 8। सर 7 को आपने आगे क्यों लिखा? 7 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, आप आगे लिखो या पीछे, क्योंकि जब भी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो आप 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, या आप 4 इंटू 3 इंटू 2 करो, या आप 3 इंटू 2 इंटू 4 करो, आंसर सेम ही आता है, दैट्स द रीजन व्हाई। सो ये मैंने लिख दिया यहां पर, then whole upon x to the power minus 14, and that is all guys, it's done and set. So what did we learn today in the entire lecture? आज हमने differentiation में कल के differentiation के topic से आगे की तरफ में बढ़े, आज हमने दो topic सीखे, पहला सीखा हमने product rule and second सीखा हमने quotient rule. Product rule में होता है first function into differentiation of second function प्लस का साइन आता है, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यदि तीन फंक्शन होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले दो को लोगे फिर डिफरेंशिएशन करोगे तीसरे का, फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड लोगे डिफरेंशिएशन करोगे सेकेंड का, फिर आप सेकेंड एंड थर्ड लोगे डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट का, दैट्स ऑल। सर फिर क्वेश्चन रूल में क्या था? क्वेश्चन रूल में अपॉन का साइन, फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड दैट इज ऑल, इट इज दैट सिंपल। सो यदि आप ढंग से देखोगे तो हम लोगों ने आज दो रूल्स करे हैं जो कि टेक्निकली क्लास 11th का पार्ट होते हैं, बट आज जो मैं शीट आपको शाम को मैं देने वाला हूँ उससे आपको समझ में हो जाएगा या समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको ये पार्ट क्यों करवाया है, बिकॉज कल जो हम जो लेक्चर करने वाले हैं वो इससे भी ऊपर वाले लेवल का होगा, बिकॉज कल जो आपका पहला एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका आएगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज चेन रूल, और चेन रूल के लिए आपको इन रूल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, इफ यू फील दैट दिस चैनल वुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू प्लीज डू सब्सक्राइब, सो दैट आपको बाय द वे सारे के सारे जितने भी जो भी वीडियोज आ रहे हैं आपके काम के वो आपको टाइम पर मिल जाएंगे। ओके, एंड स्टे इंडोर्स टिल द टाइम दिस वायरस इज नॉट डाउन, एंड गाइज स्टे सेफ, थैंक यू सो मच गाइज, बाय फ्रॉम माई साइड।